नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के दरभंगा में 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। बीपीएस शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई के दौरान हुई इस गलती को सुधारने के लिए मिला समय। बिहार की बेटी फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल। बिहार के लाल मुकेश कुमार ने ODI में किया डेब्यू। अब रास्ते में लेट नहीं होगी ट्रेन, रेलवे ने अपनाया ट्रिक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने निकाली 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्केल 1 के पदों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। NIACL द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, IT और जर्नलिस्ट के कुल 450 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 1 अगस्त 2023 से होने वाली है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर आवेदन की शुरुआत होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को संबंधित डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। वहीं अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब बिहार के लोगों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। बिहार में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार की ओर से कई तरह की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत अब बिहार के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए राज्य से कहीं बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि मिशन 60 एवं मिशन परिवर्तन के तहत राज्य में सदर अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों का कायाकल्प किया जा रहा। मालूम हो कि इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना के भी कई अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिनके अंतर्गत IGIMS में अगले 2 वर्षों में बिहार का सबसे बड़ा आँख का अस्पताल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही PMCH में भी 2073 नए बेडों का अस्पताल तैयार किया जाएगा। वहीं राजवंशी नगर में स्थित LNJP हड्डी अस्पताल में भी 400 बेड के अस्पताल के अलावा एक स्पाइन अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल होगा। इन सब के साथ बीते 10 साल में आयुर्वेद, होम्योपैथी व कानूनी चिकित्सा पद्धति में भी कई सुविधाएं बढ़ी हैं। बिहारी बोधरे में आज हम बात करेंगे अशोक शेखर गांगुली के बारे में। डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली CBE प्रसिद्ध उद्योग विशेषज्ञ और हिंदुस्तान लिवर के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2015 को समाप्त हो गया। डॉक्टर गांगुली का अधिकांश कामकाज जीवन यूनिलिवर PLC के साथ बीता, जहां उन्होंने 35 वर्ष से अधिक समय बिताया। वहीं 1980 से 1990 तक हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड के अध्यक्ष और 1990 से 1997 तक यूनिलिवर बोर्ड के सदस्य रहे। डॉक्टर गांगुली ने हिंदुस्तान लिवर, ICI इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज, विप्रो, टाटा AIG, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेमोजेनोमिक्स और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन सहित कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ बोर्ड स्तर के पदों पर कार्य किया है। वह 1996 से 2005 तक ब्रिटिश एयरवेज PLC के बोर्ड के सदस्य थे। उन्हें 2 बार पद्म विभूषण CBE चीनी विज्ञान अकादमी संघाई द्वारा मानद प्रोफेसर बनाया गया। 1997 में इलिनोइस विश्वविद्यालय द्वारा उत्कृष्ट पूर्व छात्र के रूप में चुना गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पूर्व छात्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बिहार के दरभंगा में 3 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। बिहार के दरभंगा में बढ़ते सांप्रदायिक मामलों को देखते हुए बिहार सरकार के निर्देश पर बीते दिन शाम 4 बजे से 30 जुलाई को शाम 4 बजे तक दरभंगा प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल यह निर्णय गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1875 की धारा 5 के तहत लिया गया है। बता दें कि इस दौरान सभी सोशल साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी बैन रहेंगे। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों पहले दरभंगा के विभिन्न जगहों पर विवाद हुआ था, जिसके बाद कई तरह के फर्जी वीडियो वायरल हुए थे। ऐसे में मुहर्रम को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। BPSC शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई के दौरान हुई इस गलती को सुधारने के लिए मिला समय। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि BPSC की ओर से एक अहम नोटिस जारी की गई है, जिसके तहत फॉर्म भरने के दौरान जिन उम्मीदवारों से जेंडर का विकल्प भरने में गलती की गई है, वे 30 जुलाई 2023 तक BPSC PAT
www.bih@nic.in पर मेल भेजकर अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी के पास अपनी इस गलती को सुधारने का अच्छा मौका है। मालूम हो कि विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए OMR सीट भी रिलीज की गई थी, ताकि अभ्यर्थी इसे भरने की प्रैक्टिस कर ले, जिससे एग्जाम में कोई गलती ना हो। वहीं विभाग की ओर से उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए डेमो क्वेश्चन बुकलेट भी जारी की गई है। बिहार की बेटी फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी फलक अभिनीत की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के दौर में शामिल हो गई है। बता दें कि इस फिल्म को ऑस्कर की ओर से स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। मालूम हो कि भारत की तरफ से यह एकमात्र फिल्म है जिसे इस अवार्ड के चारों श्रेणियों में शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 में दुनिया भर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था, जिसमें से टॉप 16 में सेमीफाइनल के लिए फलक अभिनीत की फिल्म चंपारण मटन का भी चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के निर्देशन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार के द्वारा किया गया है। जू के 50 साल होने पर 3 महीने तक चलेगा जश्न। पिछले महीने पटना जू का 50 साल पूरा हो चुका है। उस दौरान जू का स्थापना दिवस भी मनाया गया था। वहीं अब पटना जू के डायरेक्टर सत्यजीत कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जू के स्थापना दिवस को आगे आने वाले 3 महीनों तक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान 25 जुलाई से व्याघ्र सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 29 जुलाई तक चलेगी। वहीं आने वाले दिनों में 5 से 7 अगस्त तक नेशनल बायोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के चिड़ियाघरों के बायोलॉजिस्ट शामिल होंगे। 17 से 21 अगस्त तक डॉल्फिन सप्ताह, जिसमें डॉल्फिन संरक्षण के प्रति संवेदना, प्रचार प्रसार और आवश्यक ज्ञानवर्धन का कार्य सेमिनार जैसे प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे। 3 से 4 सितंबर तक जलीय वन्य प्राणी समूह, जिसमें कछुआ, उदबिलाव एवं घड़ियाल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 20 से 22 सितंबर तक गैंडा सप्ताह, जिसमें इसके संरक्षण में प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे, और 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह आयोजित किया जाएगा। 3 बच्चों के मामले में छपरा की मेयर ने गवाई अपनी कुर्सी। बीते दिन गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 बच्चों के मामले में छपरा की मेयर राखी गुप्ता को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल राखी गुप्ता के द्वारा नामांकन के दौरान अपने हलफनामे में गलत जानकारी देते हुए बताया गया था कि उनके 3 नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, लेकिन कागजातों से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसके बाद राखी गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करते हुए मेयर पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राखी गुप्ता के खिलाफ छपरा की पूर्व मेयर सुनीता गुप्ता के द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी और निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं अयोग्य घोषित होने के बाद राखी गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि हाई कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि मुझे कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिंबिसार जेल के बारे में। बिंबिसार जेल का नाम प्राचीन इतिहास के महान राजा बिंबिसार के नाम पर रखा गया है। उन्होंने हड़यंका राजवंश की स्थापना की और एक गांव के किलेबंदी के साथ मगध की नींव रखी, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर बन गया। बिंबिसार जेल गृदाकुट्टा हिल के साथ साथ जापानीज पगोडा का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। वह भगवान गौतम बुद्ध के एक कट्टर शिष्य थे, जिन्हें उनके बेटे अजात शत्रु ने कैद कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें अपने कारावास के लिए एक विकल्प चुनने के लिए कहा था। उन्होंने चुना वह स्थान जहां से वह भगवान बुद्ध को देख सके। राजा बिंबिसार बुद्ध के ज्ञानोदय से पहले पहली बार बुद्ध से मिले और बाद में एक महत्वपूर्ण शिष्य बन गए, जो कुछ बौद्ध सूक्तों में प्रमुखता से प्रदर्शित हुए। अरवल में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का इस दिन होगा आयोजन। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अरवल में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि मेला तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में इन युवाओं के पास निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के द्वारा इस मेले का आयोजन जिला स्तर पर 31 जुलाई 2023 को अरवल के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेला में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी NCS पोर्टल के http://ncs.gov.in पर निबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी आयोजन स्थल पर भी अपना निबंधन करवा सकते हैं। बता दें कि इस मेले से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए जिला नियोजन कार्यालय से या मोबाइल नंबर 8521985369 पर संपर्क कर सकते हैं।
बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इस दिन होगा घोषित। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा का रिजल्ट अगस्त के मध्य में जारी किया जाएगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि सितंबर में आयोजित की जा सकती है। लेकिन इन सबके अलावा हम आपको यह बता दें कि इस बार कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है जिसके तहत अब एक प्रश्न के उत्तर को एक शिक्षक देखेंगे। बता दें कि बीपीएससी की ओर से जारी किए गए अधिसूचना में सभी अभ्यर्थियों को बताया गया है कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन के अनुसार सभी कागजात शैक्षणिक और सभी तरह के दस्तावेज उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा से कुल 802 पदों को भरे जाएंगे। पटना और मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी के लिए आए दिन नए नए तरीकों को शराब तस्कर अपनाते रहते हैं। हालांकि इन पर उत्पाद विभाग की टीम की ओर से नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ खास सफलता देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र और मुजफ्फरपुर का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर गर्दनीबाग थाना पुलिस के द्वारा अनिसाबाद गोलंबर पर वाहन जाँच के दौरान उत्तर प्रदेश से बस में ले जा रहे 40 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा 4 तस्करों की भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं दूसरी घटना को लेकर बताया गया है कि मुजफ्फरपुर आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर अवध असम ट्रेन के एसी कोच में छापेमारी के दौरान 2 बैग से दर्जनों बोतल विदेशी शराब बरामद की गई और साथ ही समस्तीपुर जिले के रोस्टा निवासी राम प्रसाद शर्मा के पुत्र अवधेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा आगे की पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। मुहर्रम को लेकर कई इलाकों में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। बिहार पुलिस मुहर्रम को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस मुख्यालय की ओर से मुहर्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 1 अगस्त तक इस पर्व को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब मुहर्रम के दौरान कई इलाकों में वाहनों के आवागमन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसमें 29 और 30 जुलाई को पटना सिटी से अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान की ओर आम वाहनों के आवागमन पर रोक लगी रहेगी। इसके साथ ही अशोक राजपथ से सटे लिंक रोड मसलन खजांची रोड मुखनिया कुआं रोड गोविंद मित्रा रोड रमना रोड गांधी चौक से आने वाले वाहनों पर भी अशोक राजपथ की ओर से जाने से ही रोक दिया जाएगा। हालांकि वाहनों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग का भी इंतजाम किया गया है। प्रदेश के उत्तर पूर्व के जिलों में बारिश के आसार। बिहार में बारिश का माहौल भले ही बन रहा हो लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 48 घंटे में प्रदेश में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इधर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार शनिवार और रविवार को भी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। साथ ही सीमांचल वाले इलाके में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। 28 और 29 जुलाई को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि उत्तर पूर्व के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। मौसम विभाग पटना की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 29 जुलाई से पूरे राज्य में मॉनसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कैमूर गोपालगंज सिवान और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब रास्ते में लेट नहीं होगी ट्रेन, रेलवे ने अपनाया ट्रिक। कई बार रेल यात्रियों से यह शिकायत सुनने को मिलती रहती है कि उनकी ट्रेन लेट हो जाती है। ऐसे में अब इन शिकायतों पर रेलवे की ओर से ध्यान देते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे कि अब कोई भी ट्रेन लेट नहीं होगी। दरअसल अब रेलवे की ओर से उन ट्रेनों को लेकर एक नुस्खा अपनाया जा रहा है जो ट्रेन लेट हो जाती है। बता दें कि अब इन ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लूज टाइमिंग का नुस्खा अपनाया जाएगा। इसके तहत ट्रेनों के अंतिम 2 स्टेशनों के बीच समय अंतराल अधिक रखकर गंतव्य पर उनकी टाइमिंग ठीक की जा रही है ताकि ट्रेनों के पंचुअलिटी रैंकिंग को सुधारा जा सके। बता दें कि इसको लेकर बताया जा रहा है कि भले ही रेलवे द्वारा ट्रेनों में लूज टाइमिंग लिए जाने से विलंब से चलने वाली ट्रेनें ज़्यादा समय ले रही हैं लेकिन अंतिम स्टेशन पर समय से पूर्व पहुंच जा रही हैं। पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। पुलिस मुख्यालय के द्वारा गृह विभाग को एक अनुशंसा भेजी गई है जिसके तहत अब बिहार पुलिस को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि इससे राज्य के 1 लाख पुलिस कर्मियों का फायदा होगा क्योंकि इस योजना के तहत पुलिस कर्मियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। मालूम हो कि इसको लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक को सहमति पत्र पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। वहीं इस पहल पर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी के द्वारा कहा गया कि पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा बेहद प्रशंसनीय है। इसके लिए डीजीपी बिहार के
प्रति आभार प्रकट करते हैं। राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की भी सुविधा दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत बिहार के 1,08,00,000 परिवारों को लाभ मिल रहा है। से नकली नोट छापने वाली मशीन के साथ एक गिरफ्तार। बिहार के सारण से आए दिन कई आपराधिक घटनाएं सुनने को मिल जाती है। इसी कड़ी में अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें नकली नोट छापने की मशीन के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस मामले की जांच रावल टोला में मध्य प्रदेश की रतलाल पुलिस के द्वारा छपरा पुलिस के सहयोग से की गई है। इस दौरान पुलिस के द्वारा अरविंद कुमार को अर्ध छपे नकली नोट, इंक और वाटर मार्क के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर उसे मध्य प्रदेश पुलिस अपने साथ रतलाम ले गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिला अंतर्गत पिपलोता थाना द्वारा 500 रुपए के कुल 45,000 रुपए नकली नोट के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं के निशानदेही पर पुलिस के द्वारा अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार कांड पर जेडीयू के मंत्री का बयान। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में कटिहार में हुए कांड को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में इस मामले को लेकर राजधानी पटना में स्थित जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा कहा गया कि रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार इस मामले पर जरूर आवश्यक कार्रवाई करेगी। वहीं नीतीश सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव के द्वारा कहा गया कि जब पथराव हुआ और स्थिति बेकाबू हुई तब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। ऐसे में बीजेपी क्या बोलती है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के द्वारा कहा गया कि बीजेपी नीतीश कुमार से डरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में इन सब के अलावा परिवहन मंत्री शीला मंडल भी मौजूद थी। विनोद चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम नीतीश पर पुष्पम प्रिया चौधरी का बड़ा बयान। बीते बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी से लगभग 3 साल बाद हुई। इस दौरान दोनों ने बातचीत भी की। हालांकि उनके बीच क्या बातचीत हुई इससे जुड़ी कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें सीएम नीतीश कुमार और पुष्पम प्रिया चौधरी बैठे नजर आ रहे हैं। वह इस तस्वीर को शेयर करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी के द्वारा कैप्शन में लिखा गया है कि परिवार का सदस्य और पिता के नेता होने के नाते आपका हमारे दरवाजे पर हमेशा स्वागत है। अपने साथी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। वे आपको बहुत मानते थे, उन्हें अच्छा लगा होगा। जीतनराम मांझी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से एक समुदाय के विशेष की भावनाएं आहत के आरोप में शेरशाहवादी ऑल एसोसिएशन के सचिव की तरफ से किशनगंज के सिविल कोर्ट में विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दायर किया गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर शेरशाहवादी समुदाय के लोगों के द्वारा कोर्ट से जीतनराम मांझी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है और साथ ही DM से भी शिकायत की गई है। इन सब के अलावा एसोसिएशन के नेता अब्दुल रहमान के द्वारा बताया गया है कि जीतनराम मांझी के द्वारा यह आपत्तिजनक बयान देकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। शिक्षक बहाली पर माले का सरकार को अल्टीमेटम। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षक नेता बहाली को लेकर सरकार से बातचीत के इंतजार में है, तो वहीं दूसरी ओर अब माले विधायक संदीप सौरभ के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार 31 जुलाई तक शिक्षक नेताओं के साथ बातचीत नहीं करती है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हम सब भी चिंतित है। पहले शिक्षकों को कहा गया था कि जैसे ही विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होता है तो शिक्षक संगठन के नेताओं से बातचीत की जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद कहा गया कि जब विपक्ष की बैठक समाप्त हो जाती है फिर बातचीत की जाएगी। ऐसे में अब विपक्ष की बैठक भी खत्म हो चुकी है, जिससे कि अब समय आ गया है कि सरकार जल्द से जल्द शिक्षक संगठन के नेताओं से बातचीत करे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लंबी बातचीत भी हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें 3-4 दिन का समय दीजिए, हम तारीख की घोषणा कर शिक्षक के नेताओं के साथ जरूर बैठक करेंगे। इसमें हमने तय किया है कि हम 31 जुलाई तक इंतजार करेंगे और अगर 31 जुलाई तक तारीख सामने नहीं आती है तो उसके तुरंत बाद हम लोग बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। बिहार के लाल मुकेश कुमार ने ODI में किया डेब्यू। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में बिहार के लाल मुकेश कुमार का डेब्यू किया है। बता दें कि यह मुकाबला बारबाडोस में खेला जा रहा। कप्तान रोहित शर्मा ने कैप देकर उन्हें टीम में शामिल किया है। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच के दूसरे टेस्ट मैच में मुकेश कुमार का टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ था, जिसमें उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। ऐसे में अब वनडे में इस खिलाड़ी से कप्तान की उम्मीद जगी है। बता दें कि भारतीय टीम के पेसर मोहम्मद सिराज के नहीं होने के कारण मुकेश कुमार की एंट्री हुई है। आपको बता दें कि बिहार के लाल मुकेश कुमार के साथ ईशान किशन भी इस टीम में हिस्सा है। ऐसे में ईशान किशन के पास विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी है, तो वहीं मुकेश कुमार भारतीय टीम में तेज गेंदबाज के रूप में शामिल हुए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर विलियम जेम्स हर्सिल द्वारा पहचान के लिए 1858 में पहली बार फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया गया। विश्व हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 1925 को मनाया जाता है। निर्गुट देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी तेहरान 2008 को रवाना हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर का जन्म 1927 को हुआ था। हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक अनिल जनविजय का जन्म 1957 को हुआ था। भारतीय कलाकार, चित्रकार और उद्यमी सुविज्ञ शर्मा का जन्म 1983 को हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार का निधन 1972 को हुआ था। भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का निधन 28 जुलाई 2016 को हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार का निधन 2017 में हुआ। आज के दिन को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और वन महोत्सव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फोन चार्जिंग के लिए अपनाएं ये रूल। आज के समय में कई लोग ऐसे होते हैं जो फोन को चार्जिंग करने के दौरान कई गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि फोन को चार्ज करने के दौरान कुछ रूल को अपनाना जरूरी होता है। बता दें कि अगर हम स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 20-80 रूल की बात करें तो यूजर को सलाह दी जाती है कि उसे कभी भी डिवाइस को फुल चार्ज यानी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। फोन की बैटरी को फुल चार्ज करने पर इस पर उल्टा असर पड़ता है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि फोन लंबे समय तक चार्जिंग पर लगा रहे तो यह गर्म हो जाता है। ऐसे में यूजर को फोन को फुल नहीं बल्कि 80% तक ही चार्ज करने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी ओर बैटरी लो होने पर स्मार्टफोन को 20% लो बैटरी से चार्ज करना ही सही माना जाता है। हालांकि ज्यादातर यूजर बैटरी डेड होने पर ही फोन चार्ज करते हैं। यही वजह है कि यूजर के फोन में कुछ ही समय में बैटरी से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं। वेलकम, आज हम बात करेंगे 500 के नोटों में स्टार चिन्ह के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 500 के नोटों में स्टार चिन्ह के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, कहीं आपके पास भी तो नहीं है स्टार चिन्ह वाला नोट, कहीं ये नकली तो नहीं, घबराइए नहीं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे नोट को नकली बताने वाले मैसेज फर्जी हैं। आरबीआई द्वारा दिसंबर 2016 से नए 500 रुपए बैंक नोटों में स्टार चिन्ह की शुरुआत की गई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, सेमीकंडक्टर नीति का किस राज्य सरकार द्वारा हाल में ही अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला सवाल, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान है। अगला सवाल, मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी किस राज्य में मिली है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, बिहार की राज्य पक्षी इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी गौरैया, ऑप्शन डी कबूतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गौरैया। अगला सवाल, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी बेगूसराय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, सुदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, पंकज कुमार दास, उमेश ऋषिदेव, मनोज रॉय, जयलाल कुमार, मंटू कुमार, पप्पू प्रसाद, जितेंद्र ठाकुर, अनिल गुप्ता, राजीव कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, प्रमोद राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
बिहार के लाल मुकेश कुमार के वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू होने पर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।